ओके सो ये था मेलेडी का लेसन। अब उस मेलेडी को बजाने के लिए क्या करना है, आपका जो फिंगर है मिडल वाला वो रखना है सेकंड स्ट्रिंग पे, सिक्स फ्रेट पे, और सेवन्थ फ्रेट पे रखना है आपका ये रिंग फिंगर, ठीक है ना। ये बस ओनली दो नोट्स। अब बजाना क्या है, फोर्थ थर्ड सेकंड थर्ड वन थर्ड सेकंड थर्ड, इसको स्लो में प्रैक्टिस करना पहले। ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसे ही पकड़ के रखना, दो बारी बजेगा, फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड थर्ड वन थर्ड टू थर्ड, ठीक है, याद रखना, इसको लिख लेना चाहिए। अब ये टू टाइम हो गया, उसके बाद ये फिंगर जो है लिटिल फिंगर आपकी पिंकी फिंगर, ये रखनी है अगले फ्रेट पे उसके, और ये रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है ना, फोर्थ स्ट्रिंग पे, और पैटर्न वही रहेगा, यहाँ पे भी दो एक बार बजेगा, लेकिन वो पैटर्न ये वाला बस एक बार ही, ठीक है ना। उसके बाद ये फिंगर यहाँ से हटा लेनी है, और इंडेक्स फिंगर रखनी है फिफ्थ फ्रेट पे, मतलब एक फ्रेट पीछे, और वो भी फोर्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी एक बारी, ठीक है। अब यहाँ नीचे दो बारी, फिर यहाँ पे एक बारी, फिर यहाँ पे एक बारी, अब पूरा बजाता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना है। दोबारा से स्टार्ट करने पे दो बारी तो यही बजेगा, उसके बाद एक बारी ये बजेगा। अब लेकिन अब यहाँ ये नहीं बजेगा, ठीक है, सेकंड टाइम में ये इधर वाला पार्ट नहीं बजेगा। अब मैं बजा के बता देता हूँ, अरे ये जैसे पकड़ा हुआ है ना, एक एक फ्रेट पीछे जाके ये जो दो नोट पकड़े हैं वो तो बजाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे निचला नोट जो ओपन स्ट्रिंग है उसको भी पकड़ लेना है, मतलब नीचे वाले तीनों स्ट्रिंग पकड़ के और एक फिफ्थ स्ट्रिंग पकड़ के, इसको सभी को बस, ठीक है, ये एक आधा लेसन सब लोग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पूरा बजा के बताता हूँ स्लो में। बाकी का कल करते हैं।